नमस्ते, आज हम लोग बात करेंगे निम्सेट में आए हुए क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है। निम्सेट 2021 में यह क्वेश्चन वेक्टर से आया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कहता है, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रिलेटिव टू ओ बी गिवेन, ये जो आप लोग का दो पोजीशन वेक्टर आप लोग का दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, देन द मीडियन थ्रू द ओ ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज, देन द मीडियन, क्वेश्चन को समझिए, देन द मीडियन थ्रू ओ यानी ओ का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, जहाँ पर ये बता रहा है कि ओ क्या है, दिस इज द मीडियन। और तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा जो एक लाइन है इस तरह से, उसका दो पॉइंट होगा और एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो ए का पोजीशन वेक्टर आपका क्या दिया हुआ है, आई माइनस 4j और प्लस 3k, और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है माइनस आई प्लस 2j और माइनस के। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ओ इज द मीडियन, ओ हमारा क्या है, द मीडियन है। तो मान लेते हैं कि अगर मीडियन है तो ये क्या करेगा, इस लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा। अब इसी को आप लोग मिला दीजिए तो आप लोग का ये क्या करेगा, ट्रायंगल बना देगा। और इसी ओ पॉइंट्स का आप लोग का क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी एक तरह से कह सकते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मीडियन जो आप लोग का बोला गया है, MEDIAN, मीडियन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, OA प्लस OB, OA प्लस OB डिवाइडेड बाई 2। और ध्यान रखिएगा कि OA और OB जो डिवाइड 2 इसलिए किया, क्योंकि वो जो पॉइंट दिया वो क्या दिया, वो मीडियन है, और मीडियन क्या होता है, हमेशा दो पार्ट्स में उसको डिवाइड करेगा। तो ओ ए और ओ बी का आप लोग यहाँ पर से पोजिशन वेक्टर लिखिए, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आई जो दिया हुआ है आई माइनस 4j प्लस 3k और प्लस आपका हो जाएगा माइनस आई प्लस 2j और माइनस के डिवाइडेड बाई 2। अगर यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर से देखिए माइनस आई प्लस आई क्या हो जाएगा, 0i डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, माइनस 4 और प्लस 2 यहाँ पर से आप लोग जाएगा माइनस 2j और यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस यानी प्लस 2k और डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ये, तो माइनस जे और प्लस के, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन। तो यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए आप लोग का ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, और ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग का बी, और देखिए जो डिवाइड नहीं करेंगे तो उनका आंसर आ जाएगा ए, जो कि गलत है। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट किए। तो पिछले क्लास में आप लोग पोजीशन वेक्टर पढ़े थे कि पोजीशन वेक्टर कैसे किसी पॉइंट का निकालते हैं, और यहाँ देखिए दोनों पॉइंट का आपका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। तो पोजीशन वेक्टर से जिनको नॉलेज में प्रॉब्लम्स है वो हमारे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन। तो इस तरह का आसान सा क्वेश्चन आप लोग का नीमसेट में पूछता है, यानी बहुत टफ है, नीमसेट में क्वेश्चन नहीं आता। अगर प्रैक्टिस आपका अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है समझने में तो वही कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपका सॉल्यूशंस देंगे। अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि
क्योंकि निम्सेट का जो प्रिपरेशन का कंसेप्ट है, टॉपिक है, हम एक एक कर यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो भी कन्फ्यूजन होगा आपका दूर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।